नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। कोविड 19 के चलते उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कसते हुए कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस ने उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली अंतर राज्य व अंतर जनपदीय सीमाओं को सील करने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि बिना वजह या कांवड़ के उद्देश्य से आने व राज्य या जनपद सीमा पार न कर सके। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति चालबाजी से जनपद में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए ही उसी के खर्च पर क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी कोविड-19 के चलते देश भर की तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर उतर चुकी हैं, पटरी से उतरी हुई हैं। हालांकि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार कोविड-19 से बचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में होने वाले कांवड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कोविड-19 के चलते ये निर्णय लिया है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कसते हुए कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से अंतर्राज्यीय व जनपदीय सीमाओं को सील किया जा रहा है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति बिना वजह प्रवेश न कर सके। वहीं SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन 1 की तरह अंतर्राज्य और अंतर जनपदीय सीमाओं को सील किया गया है। इसके साथ ही हाईवे कनेक्टिंग रोड लिंक रोड को भी ग्राम प्रधान, उप प्रधान, युवक मंगल दल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने बताया, ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना कारण या कांवड़ के उद्देश्य से जनपद या राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने में से रोका जा सके और कोरोना संक्रमण से उसे और उसके परिवार व आमजन को भी बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों के विरुद्ध यदि कोई भी व्यक्ति जनपद में प्रवेश करता है तो उसे उसके खर्च पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। कोरोना वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है। इसी के मद्देनजर जिस तरह से लॉकडाउन 1 के दौरान अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय सीमाएँ सील की गई थी और बैरियरों को स्ट्रेंथन किया गया था, उसी तरीके से अब भी जो हाईवे है, कनेक्टिंग रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, उन सब पे ग्रामवासियों की मदद से ग्राम प्रधान, उप प्रधान, युवक मंगल दल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, इन सब का सहयोग प्राप्त करके सबको प्रॉपरली सील किया जाएगा, ताकि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति जो निरुद्देश्य या कांवड़ के उद्देश्य से जनपद की सीमा में या राज्य की सीमा में प्रविष्ट करना चाहता है उसे प्रविष्ट होने से रोका जा सके और कोरोना के संक्रमण से उसे भी, उनके परिजनों को भी और आम नागरिकों को बचाया जा सके। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑलरेडी अप्लाइड है, प्रक्रिया सबको मालूम है। विहित प्रक्रिया का पालन किए बगैर जो कोई भी निरुद्देश्य, केवल पर्यटन के उद्देश्य से या बिना किसी विशेष प्रयोजन के विहित प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्रवेश करना चाहेगा उसे अनिवार्यतः 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।